टाइम्स। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया और मैं हूं किरण। दिल्ली में लूटपाट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सरिता बिहार का एक मामला सामने आया है जिसमें मंगल नाम के परिवार को उनके घर में 20 लोग घुसकर उनके साथ लूटपाट और मारपीट करके चले गए। उसमें पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया और काफी दिन से वो परेशान हो चल रहे हैं। मतलब अब हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनके घर में उस दिन हुआ क्या था। तो मैम आप बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था। अब मैम हम मतलब दोपहर के 2 बजे में थे और मेरा भाई, मेरी बहन और बच्चे थे हमारे साथ में। तो हम लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे और दरवाजे खुले थे। तो दोनों पहले, सबसे पहले हमारी ननद आई राजकुमारी, उसके बाद में भवे और 10 से 20 और थे हमारे घर के अंदर, दोनों दरवाजे से घुस गए। फिर बाद में रोड और सरिया और डंडे ले लेते हमारे घर में जेंट्स लोग घुस गए, जो कि हम जिन्हें काफ़ी हद तक जानते हैं, बहुत लोग हम जिन्हें जानते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह यहाँ पड़ोस में बगल में रहते, वो लोग आए। इन्होंने मार पिटाई कर दी और यहाँ छीना छपटी की मेरी अलमारी तोड़ दी। हाथ में 2 मोबाइल थे हमारे, जो कि उस टाइम हम 100 नंबर कॉल कर रहे थे, उस टाइम मोबाइल छीन लिया हमारे, एक ऑफो का, एक सैमसंग का और एक तीन तोले की चेन और 40,000 रुपये हमारे अलमारी में सामने रखे थे। तो लेके निकल गए, मारपीट काफ़ी थी। एक मेरे भांजे ने अर्जुन, कन्हैया, रग्गा और सनी। आपने FIR मैम कैसे लिखवाई? FIR ऐसी की मैम कि मैंने 100 नंबर कॉल की मेरी मम्मी के मोबाइल से, मतलब पड़ोसी ने भी की कॉल 100 नंबर की, पर कोई 100 नंबर यहाँ पे आई नहीं। हमें मारपीट होती रही गली में, कभी खींच खींच के इधर उधर लेके चले गए, मारपीट हमारे गिरा दी, डंडे डंडे से तोड़ फोड़ के तोड़ दिया मैडम से। हमारी एक लड़की छोटी है रोशनी, चौकी में गई पुलिस वालों को लेके आई, तो उस दौरान सब लोग भाग गए। एक पुलिस वालों को देख के भाग गए। उस टाइम में मैंने हिम्मत दिखा के 8 औरतों को गिरफ्तार करवाया चौकी के अंदर। तब चौकी में कोई कार्रवाई नहीं की, तो मुझे, मैं बार बार 100 नंबर कॉल की पर 100 नंबर चौकी तक कोई नहीं आया मेरे लिए, और ना ही मुझे मेरे भाई को सर फोड़ दिया। हमें भी चोटी आई थी सर पैर में, पर कोई हमें मेडिकल लेके नहीं गया ना हॉस्पिटल पहुँचाया। तो हम खुद अपने आधा घंटा एक घंटा हो गया हमें इंतजार करते करते, हमें कोई 100 नंबर उठाने नहीं आई। तो हम खुद अपने ऑटो से हम हॉस्पिटल गए। तब वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट लेके आए, तो रात के हमें 10:30 बजे बज गए। तो फिर सीधे डायरेक्टली हम हॉस्पिटल से सीधे डायरेक्टली हम सरिता के थाने में आए और फिर हम एचएचओ से मिले और हमने दुहाई लगाई सर इन्हें गिरफ्तार किया जाए, हमारी FIR की जाए। तो मैंने बोला आपका नाना कोई बात नहीं, आप अभी जाओ, हम गिरफ्तार कर लेंगे कल। उन्होंने कोई FIR नहीं बनाई। फिर 2 दिन बाद उन्होंने हमारी FIR तैयार की, हमने कंप्लेंट लिख के दी, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही अभी तक वो अरेस्ट हुए, ना ही हमारा जो सामान छीन लिए गए वो वापस नहीं दिया हमें। और रोज डेली धमकी मिलती है हमें कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर दो, जो तुम पैसों का जो कोर्ट में केस डाल रखा उसे बंद कर रहा है। मैम हमें थोड़ा ये बताइए आप कितने लोग टोटल थे, उनके नाम बताएंगे आप? हाँ मैम, एक तो मेरा भांजा अर्जुन जी और भांजा कन्हैया, भांजा सनी, रग्गा, रामदीप, राहुल, रॉकी, अरुण, बनिया और उनकी औरतें, एक चुन्नू, ये बहुत सारे आगे थे। उनके बच्चे थे, ये उनके रिश्तेदार है साले और बच्चे तो 3 है उनके, जो कि एक कन्हैया है, रग्गा है और एक अर्जुन है, और एक और मेरा भांजा है जो यहाँ नहीं रहती, वो आगरे में रहती है मेरी ननद, उसका भी लड़का नहीं रह रहा था उस टाइम में। इन लोगों ने धक्का दिया बॉल में, उनका नाम सनी, 4 मेरे भांजे, बाकी सब रिश्तेदार हैं साले, सब साले साले। तो मैम पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? कोई नहीं कार्रवाई कर रहे मैम, हमें कोई कार्रवाई, थाने में भी जाते हैं तो हमें फटकार लगा के, एक तो कमर बीट वाला जो उन्होंने हमारा देखते हुए केस किसी और को दे दिया है कि मेरे हाथ में केस ही नहीं है, आप दूसरे पुलिस वाले से बात करो। तो उनसे भी हम मिलने गए थाने में, तो उन्होंने बोला बहुत बुरी तरह से फटका लगा, तुम बैठो, तुम्हारा राज चल रहा है क्या, तुम सरकार चला रहे हो क्या, जो कि हम तुम्हारे कहने पे उन्हें गिरफ्तार करेंगे, हमारा जो मूड होगा हम गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसे बोला मैं थाने में। फिर हम अपने चुपचाप निकल के बाहर आ गए। तो थोड़ा ये बताइए कि आप क्या मतलब चाहते क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ना तो हमारा HSC सुन रहा है सरिता बिहार का, हमें वो भी रोज दिलासा दे देता है। नाम क्या है आपके HSC का? HSC का नाम रेडी मैम, हमारे एच एच ओ का नाम है मुकेश कुमार यादव जी, ये नाम है। तो वो भी दिलासा दे देते बेटा आप जाओ, हम गिरफ्तार कर लेंगे। मुकेश कुमार यादव वो भी हमें यही कहता है कि आप घर पे बैठो, आपकी FIR होगी, आप बेफिक्र होकर बैठो। पर हम बार बार यही कहते सर हम पे हमला हो रहा है, हमने कई बार 100 नंबर कॉल की पर कोई 100 नंबर नहीं आती। फिर 100 नंबर टूटी कर की कोई आ भी गई हमारे पास में, तो 1 घंटा तक कृष्णा गली के अंदर हम बाहर लेके 100 नंबर को खड़े रहिए, पर कोई चौकी का पुलिस वाला बीट वाला कोई नहीं आया।
फिर जो 100 नंबर जो कॉल की मेरे साथ में, उन्होंने भी एक एक चचो को वो मैसेज भेजा कि सर हम कृष्णा गली के बाहर खड़े हैं दर्शन के घर पे, और उनके बच्चों ने फिर से हमला कर दिया बबीता के ऊपर, पर यहाँ कोई बीट वाला नहीं आ रहा। फिर बीट वाले हम यहाँ वापस छोड़ के घर पे गए और हम ये बोल के गए कि आप यहाँ घर पे रहना और आपका फ़ोन चालू रखना, या एच एच या कोई थाने का कोई आएगा। पर उस टाइम भी कोई नहीं आया, रात के हम 1 बजे तक अपने घर में बैठे ही आ रहा, देखते रहे कि कोई पुलिस वाला आए हमारे को पूछताछ करेगा, पर कोई 1 बजे तक रात की कोई पुलिस वाला नहीं आया। और कॉल हमने मैडम 9 बजे की थी, ये 3-4 दिन पहले। मैम ये था कि आपने क्या कार्रवाई की है, जैसे दिल्ली पुलिस ये सुन नहीं रहे हैं सरिता वगैरह वाले, तो आगे आपने क्या कार्रवाई की है? आगे बहुत कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट के लगाए हैं, आगे आपको जाना चाहिए ना। आगे मैम कहीं नहीं गए, क्योंकि एचएचओ में दिलासा दे देता है कि आप एचएचओ के ऊपर मत रहिए ना, आप अपने जानते नहीं है, जैसी पुलिस कहेंगी वैसे हम जा रहे हैं, चलो कि कभी तो हमारी को सुनेगा, पर कोई सुनने को राजी ना, चौकी वाला कोई आके यहाँ देखता है कि कोई ठीक ठाक है नहीं है। और आप सुबह मैम आज मैंने सुबह 8 बजे कॉल की, आज भी कुछ लोग आए थे हमारे आदमी को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि केस खत्म करोगे नहीं करोगे, तो 100 नंबर ये बोला कि कृष्णा गली की लड़ाई होगी तो हम वहाँ नहीं आएंगे, आपको थाने में जाओ या चौकी में जाओ, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट करो। खुद पुलिस वाले का फोन आया हमारे पास 100 नंबर वाला, कि हम तो 100 नंबर वाले हैं, PCR वाले हैं, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई मूड वूड फूट जाता है, खून निकल जाता, तो हम सिर्फ उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम थाने में जाएंगे। मांग करती हैं सरकार से, यही मांगती हूँ मैं, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सर मेरी रक्षा की जाए, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ हो गया तो हम तो वीरान हो जाएंगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 बच्चे अपंग हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि इन्होंने कुछ पैसे भी आपके लिए हुए, थोड़ा मीडियो को आप बताएंगे। 2 लाख रुपए रुक रहे हैं 5-5.5 साल से, मेरा कोर्ट में सरिता बहन जो स्टेशन का कोर्ट है उसमें मेरा केस चल रहा है, पर ये लोग बार बार एड्रेस चौकी वाले बदल देते हैं कि झूठ एड्रेस है, तो कोर्ट में बार बार मेरी फाइल वापस पहुंच जाते हैं। इसी चीज के लिए मेरे से परेशान करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, कोर्ट का जो चक्कर है वो बंद करो। ये डिमांड क्या करते हैं मैम आपसे? डिमांड ये करते कि कॉम्प्रोमाइज करो और यहाँ घर बेच के चले जाओ यहाँ से। लेकिन ये घर तो आपका अपना है ना? मेरा खुद का घर है। हाँ अपना ही है, तो फिर इनका हक नहीं बनता है? नहीं बनता, पर ये जबरदस्ती मुझे परेशान करते कि घर बेच के कहीं भी जाओ, गांव में जाओ या कूड़े में जाओ, कहीं भी जाओ, पर ये आली घर में नहीं रह सकते तुम। यहाँ पे तो मैं अपने बच्चों की दुआएं लगाती हूँ कि मुझे रहने दो, मेरे बच्चों का भविष्य कहीं बन जाए, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ स्कूल में, मैं इनको देखते हुए कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। इन लोगों का कुछ भी मेरे ऊपर नहीं है, कोई पैसा नहीं ना, मैं इनसे मदद मांगती हूँ, मैं अपने ही घर में जैसे भी भूखे प्यासी पड़ी रहती हूँ, लोग भी किसी के आगे हाथ नहीं लगाते। मीडिया में आपने बात सुनी, तो ये थी मंगल के परिवार की आप भी थी। तो देखते हैं दिल्ली में महिलाओं के ईमान और सम्मान की बात करने वाली दिल्ली सरकार इन मंगल परिवार के लिए क्या कदम उठाती है, तो ये तो आने वाला कल ही बताएगा। मनोज के साथ किरण, दिल्ली सक्षम न्यूज इंडिया।